पीछे जो है बैंकर्स लगाए जाएंगे, क्योंकि सामने घाट सेक्शन है, घाट सेक्शन चढ़ाई करने के लिए बैंकर्स ही होते हैं। बैंकर अगर ना लगे ना तो चांसेस काफ़ी होते हैं कि ट्रेन चढ़ाई चढ़ते वक्त पीछे रोल कर जाए। तो वहाँ दूर देख सकते हैं रेलवे ट्रैक, वहाँ से ऐसे कर्व लेके हम यहाँ पे चढ़ाई करके आए। ये चीज़ बहुत ही गलत है, ये जो सेक्शन है ना हैफलॉन्ग वाला बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, पूरा जो डीजल सेक्शन है। देवी और सज्जनों नमस्कार, नॉर्थ ईस्ट डिस्कवरी सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस वाले सीरीज़ में अभी तक कोई भी ट्रेन जर्नी नहीं हुई थी, तो इसलिए लेके आ गया हूँ आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सीनिक ट्रेन जर्नी। आज हम ट्रैवल करने वाले हैं गुवाहाटी से त्रिपुरा की राजधानी अगरतला तक, और ये जो ट्रैवल होगा ना ये होने वाला है थ्रू हैफलॉन्ग एंड बादरपुर। ये जो सेक्शन है ना हैफलॉन्ग वाला बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, पूरा जो डीजल सेक्शन है, ऊपर से बरसात का मौसम एंड ICF ट्रेन जर्नी, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। फिलहाल मैं हूँ गुवाहाटी रेलवे स्टेशन में, सुबह के 4:15 हो रहे हैं, यहाँ पर तो 4 बजे सनराइज़ हो जाता है। आज हम ट्रैवल करने वाले हैं सियालदा अगरतला कंचन कन्या एक्सप्रेस में। ये वैसे कुछ दिन सियालदा से सिलचर जाती है, कुछ दिन जो है सियालदा से अगरतला जाती है। अच्छा, लास्ट वाले व्लॉग में मैं गया था गुवाहाटी से जोरहट बहुत ही एक लग्जरी बस में, उसके बाद मैंने कहा था कि मैं जा रहा हूँ नागालैंड, मैं जा रहा हूँ दिमापुर कोहिमा। हुआ ये कि जो 4-लेन रोड है ना दिमापुर से कोहिमा के बीच में, वो कई जगह टूट चुका है लैंडस्लाइड्स की वजह से, एंड जो भी गाड़ियाँ वगैरह है ना वो कहीं ना कहीं से डाइवर्ट होके जा रही है। मुझे एक लोकल आदमी ने बोला कि वो गाड़ियाँ जो है सुखोई से अंदर से होके जा रही है, 2 घंटे की जर्नी के लिए 5 घंटे लग रहे हैं। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अपन दिमापुर नहीं जाते, अपन गुवाहाटी जाते हैं। एंड फिर मैं चला गया शिलोंग एक दिन के लिए अपने बंगाली चैनल के लिए एक छोटा सा ब्लॉग बनाना है। ट्रेन का जो टाइम था यहाँ से रात को 3:25 पे था, अभी जो है सुबह के 4:30 हो गए, ट्रेन थोड़ी सी लेट है, मगर खैर लेट हुआ तो अच्छा हुआ, रात को थोड़ा सो भी पाया, एंड जो जर्नी है ना पूरी की पूरी वो आपको डे लाइट में दिखा पाया। तो जो मेरे व्यूअर्स हैं नागालैंड, मेघालय एंड मणिपुर से, आई एम वेरी सॉरी कि इस वाले नॉर्थ ईस्ट सीरीज़ में मैं कुछ दिखा नहीं पाया आपके स्टेट का। फ्यूचर में मैं आऊँगा एंड अलग अलग से एक स्टेट की सीरीज़ अलग से करूँगा, जैसे आसाम सीरीज़, अरुणाचल सीरीज़, उसमें डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। मेरे घर से मुझे काफ़ी टाइम लिमिटेशन दिया जाता है 10-12 दिन का, उसमें जो भी वीडियोस वगैरह है वो शूट करके निकलना पड़ता है, ना तो मेरी खुद की रेस्ट हो पाती है ना ही ढंग से वीडियोस बन पाती है। आप ही खुद सोच लीजिए ना कि मैं 10-12 दिन में 7 स्टेट्स कैसे कवर करूं, मुश्किल से हर स्टेट की 1-2 वीडियो बन पाएगी। एनीवेज आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, ट्रेन हमारी आने वाली है। अच्छा, ट्रेन अपनी सियालदा से आ चुकी है एंड यहाँ तक ही आती है इलेक्ट्रिक लोगों के साथ। दूसरी बात, आई थिंक मैंने ट्रेन का नाम गलत बोल दिया, कांचन जंगा की जगह कांचन कोना बोल दिया, काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है इन दोनों नामों में। वैसे इसका जो ट्रैक्शन चेंज है, यानी इलेक्ट्रिक लोगों निकल कर डीजल लोगों लगेगी, वो होगा लूमडिंग में, जहाँ पे लोगों को रिवर्सल भी होगा। चलते हैं अपने कोच में, आज हम ट्रैवल करेंगे इन AC 2 टायर। अभी टाइम है सुबह के 5, आई थिंक अगरतला हम पहुंच जाएंगे रात के 7 या 8 बजे। इतने शॉर्ट जर्नी के लिए AC 2 टायर ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या है कि कभी बार एडिट करना हुआ या थोड़ा रेस्ट करना हुआ तो मैं आराम से कर सकता हूँ। इसमें जो टोटल 5 3-टायर के कोच है, कोच की हालत देखिए भाई साहब, एंड एक जो है सेकेंड AC है। सुबह के 5:45 बज रहे हैं, मतलब ट्रेन फालतू में 2.5 घंटा लेट हो गई। गुवाहाटी में पता नहीं बहुत देर रुकी, क्या रीज़न था। ये निकल के गुवाहाटी से वहाँ पे खड़ी है राजधानी। इंटीरियर्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, सियालदा डिवीजन अपने ट्रेन को मेंटेन करके रखती है। आप देखिए ICF कोच में जो LHB वाले रीडिंग लैम्प है वो उन्होंने लगाए, फिर जो विंडो ब्लाइंड्स होते हैं ना जो तेजस में है वो लगाए,
सियालदा डिवीजन का मेंटेनेंस बहुत अच्छा है और यहाँ पे हो गया चेन पुलिंग। अच्छा, जो बेहतरीन नज़ारे हैं वो आएंगे लूमडिंग के बाद, वहाँ से डीजल लोगों भी लगेगा। उम्मीद करते हैं कि EMD की, क्योंकि EMD मुझे बहुत पसंद है। तो वीडियो में बने रहिए, आपको इस वाले ब्लॉग में मज़ा आने वाला है। डिब्रुगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस, इंडियाज लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन। इसमें कभी जर्नी करने का मन है मगर इसमें टिकट बिल्कुल नहीं मिलता। अच्छा, पहुंच गए हैं छपरमुख जंक्शन एंड प्लेटफॉर्म पे जो है यहाँ पे एक छोटा सा शिवजी का मंदिर है। वैसे इस स्टेशन में जो है ट्रेन का ट्रैक्शन चेंज होगा। जो इलेक्ट्रिक लोको आई थी सियालदा से DDU WAV4 वो निकल गई है, अभी लगेगी डीजल लोकोमोटिव। यहाँ पे आ चुकी है WDG4 गुड्स लोकोमोटिव आया, बट EMD लोकोमोटिव है। गुड्स हो या पैसेंजर, जो साउंड है इसकी वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। और ये है सिलीगुड़ी सेट की। तो यहाँ पे फटाफट लोको चेंज करके निकलते हैं और वो निकल गई WAV4 जो हमको यहाँ तक लेके आई थी। वैसे देख लीजिए, दिस इज़ अ WDG4 लोकोमोटिव। ये फिलहाल लगा है LHF मोड पे, लॉन्ग हुड फ्रंट, मतलब जो लोको पायलट का कैबिन है वो पीछे की तरफ है और जो लॉन्ग हुड है ना वो सामने है। वैसे जब ये लोको इस साइड से उधर जाएगी, जब लोको रिवर्सल होगा तब ही आ जाएगी शॉर्ट हुड फ्रंट पे। ये है बेसिकली इसका शॉर्ट हुड। जब ट्रेन इस तरफ जाएगी ना तब ही आ जाएगी शॉर्ट हुड फ्रंट पे। इसमें जो है लोको पायलट को एक बेटर व्यू मिलता है। टाइम इज 7:50, करीबन आधे घंटे के बाद निकल रहे हैं छपरमुख जंक्शन से। और इस ट्रेन में जो है कोई भी पैंट्री कार्ड नहीं है, तो मैंने यहीं पर नाश्ता कर लिया, पूरी सब्जी एंड साथ में एक रसगुल्ला, ठीक ठाक सा था। बट इतनी लॉन्ग रनिंग ट्रेन है, 36 घंटे की जर्नी होती है, अगरतला बोल लीजिए, सिलचर बोल लीजिए, मेरे हिसाब से इस ट्रेन में पैंट्री कार्ड तो होना ही चाहिए था। सुबह के 8:40 हो रहे, पहुंच गए हैं लंका। काफ़ी यूनिक स्टेशन है वह। एंड यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में मैंने एक चीज़ देखी है, यहाँ पे मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द स्टेशन में ये जो कोच पोजिशन इंडिकेटर है काम नहीं करता। यहाँ पे देखिए Platform 2 लिखा हुआ है हर जगह, पर फिर भी ट्रेन आने के बाद पैसेंजर्स वहाँ से मिडिल से यहाँ तक आगे दौड़ रहे हैं। ये चीज़ बहुत ही गलत है। मेरे साथ खुद जोरहट में हुआ कि मेरे को प्लेटफॉर्म के मिडिल से सामने तक भागना पड़ा। ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए, एटलीस्ट जहाँ जहाँ पे इंडिकेटर नहीं है वहाँ लगवाओ और जहाँ पे है वहाँ अपडेट करो। सुबह के 9:15 हो रहे हैं, पहुंच गए हैं लॉन्गडिंग। अब इसके आगे आएगा घाट सेक्शन, जो कि इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट होने वाला है। लॉन्गडिंग जंक्शन इसलिए क्योंकि एक लाइन यहाँ से आपका सीधा चला जाता है दीपू होके दिमापुर और डिब्रुगढ़ की ओर। एक लाइन से हम अभी आए एंड एक लाइन चला जाता है टूवर्ड्स हाफलॉन्ग, जहाँ पर हम अभी जाएंगे। तो इस ट्रेन का जो यहाँ पे लोको रिवर्सल होगा, पीछे जो है बैंकर्स लगाए जाएंगे क्योंकि सामने घाट सेक्शन है। घाट सेक्शन चढ़ाई करने के लिए बैंकर्स ही होते हैं। बैंकर्स बेसिकली लोकोमोटिव है जो कि ट्रेन के पीछे लगाया जाता है ताकि ट्रेन को चढ़ने में और उतरने में आसानी हो। उतरते वक्त ब्रेक की ज़रूरत होता है तो पीछे जो है एडिशनल ब्रेक पावर रहता है।
इस साइड आ गई है गुवाहाटी जोरहट टाउन जन शताब्दी। अच्छा वैसे देखना जोरहट जन शताब्दी में जो एक विस्टाडोम कोच भी है, अलग ही मज़ा है इस कोच का। गर्मी बहुत ही तेज़ हो रही है और इस गर्मी में आइसक्रीम के मज़े। बाय द वे लमडिंग से निकल गए हैं एंड जो लोकोमोटिव हमारा पहले ट्रेन खींच रहा था वो बैंकर बन गया एंड जो लोको रिवर्सल होकर लगना था वो नया लोको लग गया। बाकी अपना सीनिक सेक्शन है ना चालू हो चुका है। गाइस फिलहाल हम इस लेवल पे है और हम वहाँ चढ़ेंगे एक टर्न लेके। ये सेक्शन है ना बहुत ही ज़्यादा सीनिक है। वहाँ दूर देख सकते हैं रेलवे ट्रैक, वहाँ से ऐसे कर्व लेके हम यहाँ पे चढ़ाई करके आए। अरे इतने खूबसूरत है कि क्या बताऊं। एंड न्यू हाफलॉन्ग से पहले एक दियांग ब्रिज भी आएगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। अच्छा बता दूं लंच वगैरह ट्रेन में वैसे मिल जाता है। ये है सिलचर गुवाहाटी फास्ट पैसेंजर। तो मैं कह रहा था कि लंच वगैरह ट्रेन में मिल जाता है, लुमडिंग से जो है बोर्ड कर लेते हैं फिर भेजते हैं। लंच ठीक ठाक सा था, एक थाली लिया था मैंने 120 का, रेलवे की रेट से 30 रुपये ज़्यादा में मिला। पैकिंग बहुत ही ज़्यादा गंदा था, मतलब वही थैली खोल खोल के खाओ ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। जो प्रॉपर ट्रे है उसमें पैक करके देना चाहिए थाली वगैरह। बाकी फ़िश के, वेज थाली के, चिकन थाली के ऑप्शन भी थे बट प्राइसेस थोड़े ज़्यादा थे रेलवे के रेट से। ये देखिए इसमें भी जो है बैंकर लगा हुआ है। बैंकर अगर ना लगे ना तो चांसेस काफ़ी होते कि ट्रेन चढ़ाई चढ़ते वक्त पीछे रोल कट जाए। दो लोकोमोटिव्स होते हैं तो ब्रेक पावर और पिकअप दोनों अच्छा रहता है। बाकी आपने चढ़ाई देखी, 20 कोचर की ट्रेन के लिए दो लोकोमोटिव की ज़रूरत तो बिल्कुल है।
अभी जस्ट हमने क्रॉस किया है दायांग रेलवे ब्रिज एंड पहुंच गए न्यू हाफलॉन्ग। चेहरा जो है पूरा काला हो चुका है दरवाजे पे बैठे बैठे, लगभग पिछले 2-2.5 घंटे से मैं यहाँ पे बैठा हूँ। चेहरा एक बार धोना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे भी कुछ खाने वाने के ऑप्शंस है, बहुत ही लिमिटेड बट है। यहाँ पे मैं फ़िलहाल चने खा रहा हूँ, मतलब बिल्कुल प्याज और धनिया देके सैलड बनाया हुआ है, 10 रुपये का मात्र। और ये रहा न्यू हाफलॉन्ग स्टेशन, काफ़ी क्लीन स्टेशन है अगर आप देखें तो, और जो नज़ारे हैं बहुत बढ़िया। यहाँ पे हम आके पहुँचे हैं दामचारा स्टेशन पे, सिंगल लाइन सेक्शन है पूरा, तो एक क्रॉसिंग होगा वहाँ पे, देखिए ग्रीन सिग्नल हो गया है। जितना मेरा नॉलेज है, जितना मुझे आइडिया है, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी सियालदा जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस। ये थी सिलचर से सियालदा जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस, एंड इस रूट में यानी लमडिंग से लेके बादरपुर तक सब ट्रेनें जो है ऐसे पुशपुल मोड पे चलती है बैंकर्स के साथ, सिवाय एक ट्रेन के, वो है गुवाहाटी बादरपुर टूरिस्ट स्पेशल विस्टाडोम वाला। वो सिर्फ 3 या 4 कोच वाली ट्रेन है जिसको बैंकर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, छोटा लोड है तो एक ही लोगों को काफ़ी है। टाइम इज 2:35 PM, लगभग 2 घंटे की देरी से हम पहुंच चुके हैं बादरपुर जंक्शन। स्टेशन कुछ इस तरह से, एंड प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आए। फिर
पिछली बार जब मैं सिलचर से ट्रैवल कर रहा था अगरतला, तब मैंने यहाँ पे खाना खाया था इस स्टॉल पे, बढ़िया साउथ इंडियन खाना था। तो थोड़ी बहुत भूख लग रही है, यहाँ से कुछ खा लेते हैं, क्योंकि इसके बाद ना जो भी स्टेशन आएंगे छोटे मोटे आएंगे, खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा शाम तक। तो ये चीज़ है, एक इसमें मसाला डोसा दे रखा है, एक मेंदू वड़ा, एक इडली, साथ में जो है सांभर और दो टाइप की चटनी दिया है, एंड मैंने एक गुलाब जामुन भी ले ली, बाकी तो चलो पूड़ी वूड़ी भी है। एक 20 रुपीज़ का ऑरेंज जूस और ले लिया है। वैसे यहाँ पे जो बैंकर लगा हुआ था ना पीछे, वो निकल जाएगा, बाकी 2 घंटे लेट है फिलहाल, देखते हैं अगरतला कब पहुँचेंगे। के बाद मैंने देखा कि टनल्स वगैरह चालू हो गए, यहाँ पे तो जम के बारिश हो गया है। यहाँ पे भी हम आए हैं 2 घंटे 5 मिनट लेट, डिले को मेंटेन कर रखा है, बाकी वो देखिए आसमान, और उस साइड खड़ी है अगरतला धर्मनगर डेमू। जो है बारिश हो रही है, एंड एक चीज़ अभी मैंने नोटिस करी कि जो बैंकर है उन्होंने निकाला नहीं है, मुझे लगा था कि बादरपुर पे जो है निकाल देंगे बैंकर्स, लेकिन नहीं, आई गेस कि कल फिर से लगाना पड़ेगा जब ये ट्रेन जाएगी, इसलिए उन्होंने रहने दिया, क्योंकि डीजल लोकल्स की तो भाई कमी नहीं है। इस वाले सेक्शन में ज़रूरत है नहीं बैंकर्स की, ज़्यादा कुछ घाट है नहीं, पिछली बार भी जब मैं ट्रेन में आया था तब भी बैंकर्स नहीं लगे थे। ये कोई स्टेशन क्रॉस करे मानू, शाम के जो है 7 बज रहे हैं, लगभग 1 घंटा लेट हम पहुंच चुके हैं अगरतला। अपनी आज की एक वीडियो लाइव कर देता हूं अपने बंगाली चैनल पे, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे फिर बाहर चलता हूं। अगरतला स्टेशन सिटी से थोड़ा सा दूर है, इसलिए कुछ शेयर में टैक्सी या ऑटो पाना मुश्किल है, तभी मैं चाहता हूँ कि पैसेंजर्स के साथ निकल जाऊँ, लेकिन वीडियो ज़रूरी है। आ चुका हूँ अगरतला स्टेशन के बाहर, एंड स्टेशन का जो बिल्डिंग है वो काफ़ी प्यारा सा है, प्लस यहाँ पे आज कोई आई थिंक विजिट है, इसलिए फाउंटेन्स एंड लाइट जो जल रही है,
आप देख सकते हैं किसी मिनिस्टर की या ऑफ हायर रेलवे ऑफिशियल्स की गाड़ी खड़ी है। मज़े की बात पता है क्या, मज़े की बात ये है कि मैंने अपने कोच में व्लॉगिंग नहीं करी। उसका रीज़न है कि मेरे बर्थ के नीचे ही वो ऑफिशियल बैठे थे, इसलिए मैंने व्लॉगिंग करने की हिम्मत नहीं करी, चुपचाप बैठा रहा और ज़्यादातर जो टाइम है वो मैंने गेट पर बिताया। बट जर्नी काफ़ी अच्छी थी, सेकेंड एसी की जर्नी बहुत सही होती है, यू नो कम्फर्टेबल है, चहल पहल नहीं है, बर्थ थर्ड एसी से थोड़े से अच्छे हैं, इसलिए आजकल मैं सेकेंड एसी ले रहा हूँ। देखिए ज़्यादातर टाइम तो मैंने गेट पर बिताया नॉन एसी में, लेकिन फिर भी मैं पे करता हूँ ताकि जब भी कभी ज़रूरत पड़े मैं वीडियो एडिट कर सकूँ, या फिर एटलीस्ट मेरा सामान सेफ रहे। यहाँ पे आपको टैक्सी, मैजिक गाड़ी सब कुछ मिल जाएगा सिटी जाने के लिए। प्रोबेबली 20 या 30 रुपए लगते हैं यहाँ से सिटी सेंटर जाने तक। मैं पिछली बार जिस होटल में रुका था उसका लोकेशन मुझे पता है, नाम नंबर कुछ भी नहीं है, तो सीधा मैं वहाँ चले जाऊँगा। वीडियो जो अभी तक मैं लाइव नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा बहुत काम करना है, एंड जो बंगाली चैनल है वो मेरे फ़ोन में अभी तक नहीं है, तो इसलिए अभी होटल जाके काम करना पड़ेगा। जो भी है, इस वाले व्लॉग को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद है कि आपको अच्छे नज़ारे में दिखा पाया। हाँ, अगर बारिश का मौसम होता या थोड़ा सनराइज सनसेट होता तो डेफिनेटली और मज़ा आता। चलो कभी टूरिस्ट ट्रेन में, विस्टाडोम वाली ट्रेन में आने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में, तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें तूफान आंधी बरसात, हर मंगल शुक्र आपके साथ।